हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में मैंने एक क्वेश्चन दिया था जिसमें 5x4 साइज का एक रूम था और इस रूम का आपका वायरिंग करना था और इस्टीमेशन निकालना था। और ये भी बताया गया था कि 5 एम्पीयर एक सॉकेट है, एक फ़ैन है और 2 लैंप लगाया गया है, और इसको आप वायरिंग डायग्राम दिखाना भी था, इस्टीमेशन कॉस्टिंग भी निकालना था। तो चलिए इसको मैं आज डायग्राम के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और मैंने एक अजम्पशन माना और इसको एक लोकेशन पॉइंट मैंने बनाया, जस्ट एक रफ आइडिया बनाया कि लोकेशन पॉइंट हम कहाँ पर रखेंगे। फैन को हम सेंट्रल पार्ट में रखेंगे, जैसे 5 मीटर का आपका मीटर है तो उसको 2.5 2.5 में इसको डिवाइड कर दिए और उसको सेंट्रल पार्ट में फ़ैन को रख दिए। इसके अपोजिट हम 2 लैंप को रख दिए। स्विच बोर्ड हमेशा 2 मीटर अबव रखेंगे, या 1.5 मीटर अबव भी रख सकते हैं, 2.2 मीटर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 मीटर यहाँ था टोटल और 2 मीटर तक का इसको छोड़ दिए स्विच बोर्ड और ये डोर के लिए। तो यहाँ पे कुछ बातें हैं जो हमेशा इम्पॉर्टेंट रहता है और हमेशा याद भी रखना कि स्विच बोर्ड शुड हमेशा जो होना चाहिए नियर द एंट्री ऑफ डोर के पास होना चाहिए, ताकि आप घर में एंट्री करें तो अंधेरे में पहले आप लाइट को जला सकें। फैन पॉइंट लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द रूम, फैन का जो पॉइंट होगा वो हमेशा सेंटर ऑफ रूम पे होना चाहिए। द लाइट पॉइंट आर लोकेटेड अपोजिट टू ईच अदर बोथ साइड ऑफ फैन, फैन के अपोजिट साइड में लाइट को हम प्लेस्ड कर देते हैं। और हाफ मीटर बिलो द सेलिंग रखेंगे। जो सेलिंग है, मान लीजिए सपोज दैट, इमेजिन कीजिए कि छत से हाफ मीटर बिलो इस लैंप को लगाते हैं। अब हमें एक अजम्पशन टोटल लोड का अजम्पशन कर लेंगे और ये लोड जो अजम्पशन करेंगे आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आप रख सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं। जैसे मैंने माना लैंप को 60 वाट, फैन को 100 वाट माना है। आप इसको 60 वाट को 45 वाट भी मान सकते हैं, 100 वाट को 60 वाट भी मान सकते हैं, एज योर कन्वीनियंस, इसमें आपका पर डिपेंड करता है। फिलहाल मैंने इसको माना है 60 वाट, फैन को 100 वाट और 5 एम्पीयर का सॉकेट, टोटल लोड कनेक्टेड, टोटल लोड मैंने जोड़ा तो टोटल लोड हमारा 320 वाट आया। और इसको हम 220 से डिवाइड कर दिया तो वहाँ हमारा निकल गया टोटल लोड इन एम्पियर, जो कि हमारा आंसर आया 1.39 एम्पियर। और ये 1.39 एम्पियर के लिए ICDP स्विच का यूज करते हैं। अब हमें अजम्पशन मानना है, क्या क्या चीज़ें जो हमें एज्यूम किए हुआ हूँ। टोटल हाइट जो सेलिंग फ्रॉम द फ्लोर का 3.5 मीटर, चूंकि देखिए ये जो हाइट है आपका दिया हुआ नहीं था, आप इसको 4 मीटर भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ 3.5 मीटर लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेलिंग फ्रॉम फैन 2.5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से ये 2.5 मीटर से ऊपर भी हो सकता है सेलिंग फैन को रखना है। हाइट ऑफ स्विच बोर्ड फ्रॉम फ्लोर 1.5 मीटर, देखिएगा यहाँ पर मैंने जो स्विच बोर्ड का जो हाइट है, यहाँ पे ये जो हाइट है स्विच बोर्ड का वो 1.5 मीटर से ऊपर रखा है। लाइट पॉइंट फ्रॉम सेलिंग फैन 0.5 मीटर, लाइट पॉइंट फ्रॉम सेलिंग, देखिए सेलिंग जो छत है, ये जो ये आपका पूरा बाउंड्री, ये जो ऊपर का जो है ये छत है, इसे 0.5 मीटर ड्रॉप मैंने किया है लाइट पॉइंट का, जितना भी लाइट है देखिए यहाँ भी 0.5 मीटर ड्रॉप मैंने यहाँ पे किया है, तो ये ध्यान में रखना है। और इसमें और भी बातें जो इंपॉर्टेंट है, सेंटर में रखना है फैन को, उसके अपोजिट रखना है। और मैंने जो फोर मीटर का था, ये जो आपको 4 मीटर का जो था ब्रेथ, वो 2 मीटर से डिवाइड मैंने कर दिया और सेंट्रल पार्ट से बनाने की कोशिश किया। आपको ध्यान रखना है कि मैंने एक्चुअली में हाथ से रफ बनाया है, आप पेंसिल से इसको इक्वली डिवाइड करके बीच में सेंटर में रखेंगे। वायरिंग भी आप सेंटर में करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सिंगल रूम का है इसलिए इसमें मैंने मीटर का कनेक्शन नहीं लगाया है। अगर आपका हाउस का वायरिंग का कनेक्शन करना होगा तो आप उसमें पूरा मीटर का भी कनेक्शन लगा सकते हैं। तो आपका डिफरेंट क्वेश्चन अभी और आएंगे, उसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार का रहता है क्वेश्चंस। तो फिलहाल हमारा इनकमिंग फ्रॉम रूम ये लाइन है, जो कि अच्छा ये मैंने हॉरिजेंटल माना है, एच जो मैंने जहाँ जहाँ मैंने एच लिखा है वहाँ मैंने हॉरिजेंटल माना है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, मैंने एच हॉरिजेंटल, भी वर्टिकल, सी फॉर सेलिंग, ये रिप्रेजेंट किया है कि वायरिंग कहाँ कहाँ से गुजरा है, हॉरिजेंटल कहाँ पे गुजरा है, कहाँ सेलिंग, कहाँ वर्टिकल है और कहाँ सेलिंग पे है। सपोज दैट अगर ये जितने भी इस प्रकार का जो है हॉरिजेंटल है, और ये इस प्रकार का जो वर्टिकल है, फिर हॉरिजॉन्टल है, फिर वर्टिकल है, और ये जितने ये छत पे ये सब सेलिंग का है। तो कैसे मैंने लेंथ को लेना है, अब चलिए मैं लेता हूँ कैलकुलेशन फॉर लेंथ ऑफ कंड्यूट। क्योंकि आप एक बार जब कंड्यूट का लेंथ का लेना समझ जाएंगे तो आप फिर फेज वायर और न्यूट्रल वायर को भी लेना समझ जाएंगे। अब देखिए कि यहाँ से वायर आया है तो मैंने यहाँ 2 मीटर हॉरिजॉन्टल, 2 मीटर हॉरिजॉन्टल स्विच बोर्ड में आया तो मैंने लिखा
2 मीटर स्विच बोर्ड में आया है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है 2 मीटर फ्रॉम सेलिंग टू स्विच बोर्ड, फ्रॉम कमिंग टू स्विच बोर्ड हॉरिजेंटल 2H लिखा है। तो आपको फिर कैलकुलेशन कैसे करना है, मैंने कैलकुलेशन पूरा जैसे बनाया है वैसे आप एक बार देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। 2 मीटर हॉरिजेंटल लिया, 2 मीटर कैसे टोटल जोड़ना है, ऐड करना है, कैलकुलेशन ऑफ लेंथ ऑफ कॉन्टिन्यूटी 2 मीटर। फिर उसके बाद से आपको यहाँ पे ये वायर आपका यहाँ पे आ गया 0.5 मीटर, ठीक है, तो आप इसका ले लिए। फिर आपको ये कहना है कि स्विच बोर्ड से लैंप 1 के लिए कितना गया, फिर स्विच बोर्ड से लैंप 2 के लिए कितना वायर कंड्यूट लगेगा, स्विच बोर्ड से आपका फैन के लिए कितना रहेगा। तो देखते हैं फ्रॉम स्विच बोर्ड टू फैन, फ्रॉम स्विच बोर्ड टू फैन, स्विच बोर्ड से फैन में कितना हमारा कंड्यूट पाइप, जो पाइप हमारा वायरिंग करते हैं जिसमें हमें तार को अंदर से गुजारते हैं। तो स्विच बोर्ड टू फैन कैसे ले गया, देखिए स्विच बोर्ड है 1.5 मीटर से यहाँ लिया मैंने, 1.5 मीटर यहाँ तक लिया, ये तो ये वर्टिकल हो गया। अब यहाँ से तार को मैंने हॉरिजेंटल कर दिया, दीवार पे हॉरिजेंटल कर दिया, इस तरह से ले डाउन कर दिया। ये आप यहाँ से देखेंगे गौर से, स्विच बोर्ड से 1.5 मीटर वर्टिकल है, देखिए तो सीधा स्ट्रेट गया वायर को, फिर यहाँ से मैंने झुका दिया वायर को, तो इस तरह से हो गया हॉरिजेंटल। तो 0.5 हॉरिजेंटल हो गया और 0.5 फिर वर्टिकल हो गया। अब यहाँ तक का आपको समझ में आया कि वर्टिकल कहाँ पे लेना है, कहाँ पे हॉरिजेंटल लेना है, फिर वर्टिकल लेना है, फिर उसके बाद से जो छत की जो आपका लेंथ है वो हमें यहाँ पे आपको लेना है सेलिंग। तो मैं सेलिंग कितना लिया 2 मीटर, यहाँ 2 मीटर है तो यहाँ भी मैंने 2 मीटर सेलिंग लिया। फिर अगर आपको इस लैंप तक जाना है तो फिर 0.5 सेलिंग लेंगे, फिर 0.5 ये आपका डाउन हो रहा है, ध्यान रखना ये आपको डाउन हो रहा है, तो ये वर्टिकल फिर लेंगे। तो इसी तरह से मैंने जितने भी देखेंगे क्वेश्चन में 2 पॉइंट हॉरिजेंटल वर्टिकल जितने भी मैंने लिया, जो वायर का सिंपल आपका है कि ये जितना हॉरिजेंटल वायर आपको यहाँ लिख देना है और आप उसके हिसाब से टोटल को ऐड कर देना है, जितना जैसे 1.5 प्लस 0.5, फिर आपको यहाँ पे 0.5 प्लस 2 मीटर ये लिए, फिर 0.5 ये जितना लेंगे, ये सॉरी 2.5 मीटर ये हो गया क्योंकि इसकी लेंथ 2.5 है, तो फिर यहाँ 0.5 है। एक बार याद रखिएगा आप कैसे लेंथ को आप मेजर करेंगे, क्योंकि जो घर का आपका जो साइज दिया हुआ है 5x4 का, इसको आपने डिवाइड किया, जैसे सपोज इट मैंने 5 को 2.5 2.5 में डिवाइड कर दिया। अब चूंकि इसको सेंट्रली में इसको गुजार देना, तो ये भी 2.5 होगा, ये भी 2.5 होगा, तो इससे तो ये पता चल जाए कि हमारा जो सेंट्रल फैन से लैंप का दूरी होगा ये 2.5 है और 0.5 हमें यहाँ ड्रॉप करना है, तो टोटल इसे जोड़ लेंगे। तो स्विच बोर्ड से हमें इसी प्रकार से लेना है। अब देखिए स्विच बोर्ड का जो मैंने लिया है आपको यहाँ से, ये टोटल आप जोड़ेंगे इसको, आप इसको ऐड करेंगे, तो आप देखिए 1.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 और सेलिंग का 2, सेलिंग का आपका हो गया 2 मीटर, ये फैन के लिए हो गया। अब यहाँ पे ऐड करना है लैंप के लिए, सब कुछ वही रहेगा जो ये फैन तक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड क्या करना है 2.5 प्लस 0.5 इसके लिए, फिर इसके लिए भी 2.5 प्लस 0.5 इसके लिए। तो आपको इस प्रकार से आपको लेंथ ऑफ कंड्यूट निकालना है। उसी प्रकार से आपको जब लेंथ ऑफ कंड्यूट निकाल लेंगे तो टोटल एक्स्ट्रा 10% एक्स्ट्रा लेंगे, आपका टोटल कंड्यूट लेंथ 13 मीटर अप्रोक्सीमेट आया। आपको 10% वेस्टेज लेना है, क्योंकि अगर आपको कहीं भी घटता है तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा जरूरत होता है, कई बार घट जाता है तो उसके लिए हमेशा 10% वेस्टेज एक्स्ट्रा लेंगे। और जब हम एक्स्ट्रा लेंगे उसके बाद से हम टोटल ऐड करेंगे तो 14.25 मीटर, ये आप कह सकते हैं 15 मीटर। तो यू हैव टू टेक 15 मीटर लेंथ ऑफ कंड्यूट वायर। अब हम इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे फेज वायर का। कैलकुलेशन जब हम फेज वायर का करेंगे तो आपको ध्यान में रखना है कि फेज वायर का उसी तरह से करेंगे जिस प्रकार से कंड्यूट ऑफ पाइप का किए थे। तो इनकमिंग फ्रॉम स्विच बोर्ड का लिए 2 आपका लिए 2 हॉरिजेंटल, एच फॉर हॉरिजेंटल, तो 2 हॉरिजेंटल लिए, 0.5 वर्टिकल लिए, आप इसको फिगर के साथ देखते रहेंगे। तो इनकमिंग स्विच बोर्ड, फ्रॉम इनकमिंग टू स्विच बोर्ड से 2 हॉरिजेंटल, जैसे देखिए आपको फिर आपके 2 हॉरिजेंटल हो गया, 0.5 वर्टिकल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसको ऐड किया। फिर स्विच बोर्ड टू फैन, स्विच बोर्ड से फैन कैसे किया, 1.5 वर्टिकल, 0.5 हॉरिजेंटल, 0.5 वर्टिकल, 2 सेलिंग और 0.5 वर्टिकल। देखिए यहाँ पे 1 पॉइंट वर्टिकल, 0.5 हॉरिजेंटल, 0.5 वर्टिकल, फिर सेलिंग जो हमारा हो गया 2 मीटर, और ये जो छत से नीचे जो ड्रॉप हुआ है वो कितना हुआ 0.5 मीटर। तो ये सारे को ऐड करेंगे तो हमारा लेंथ ऑफ फेज वायर का फैन से स्विच बोर्ड का निकल जाएगा। उसी तरह से स्विच बोर्ड टू लैंप 1 का निकाल लेंगे, फ्रॉम उसी तरह से हम स्विच बोर्ड टू लैंप 2 का निकालेंगे, फिर टोटल को ऐड करेंगे तो हमारा लेंथ ऑफ फेज वायर हमारा 22.5 मीटर आ गया, 22.5
मीटर आ गया 123 मीटर हम ले सकते हैं। उसी तरह से हम न्यूट्रल वायर का भी ले लेंगे, न्यूट्रल वायर का जिस प्रकार से इस तरह से लिए उसी प्रकार से इसमें भी लेंगे न्यूट्रल वायर का। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि आपको न्यूट्रल वायर एक जगह पे आपको कम जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे आपका न्यूट्रल वायर जो फैन में आया होगा हम उसी का न्यूट्रल यूज कर लेते हैं इस लैंप के लिए और इस लैंप के लिए, तो हमें यहाँ से लेने की न्यूट्रल वायर जरूरत नहीं है। ये हमें ध्यान रखना है कि जो न्यूट्रल वायर फैन को देंगे वही न्यूट्रल वायर का हम कनेक्शन इस लैंप में और इस लैंप में कर देंगे, इसलिए वो न्यूट्रल वायर का आपको जरूरत नहीं है इन दोनों के लिए यहां से लाना, वो आप यहां से भी ऐड कर सकते हैं। देखिए यहां पे मैंने किया है लेंथ ऑफ न्यूट्रल वायर का इनकमिंग स्विच बोर्ड वही रहेगा 2 हॉरिजॉन्टल 0.5 वर्टिकल मीटर लेंथ, टोटल 2.5 मीटर लेंथ रहेगा। स्विच बोर्ड टू फैन, स्विच बोर्ड से फैन के लिए जो जाएगा वो टोटल वही रहेगा 5 मीटर, ठीक है। जैसे आपको फेज वायर में 5 मीटर था उसी प्रकार आपका स्विच बोर्ड से फैन में न्यूट्रल वायर का भी होगा, लेकिन फैन से लैंप 1 में आपका 2.5 मीटर। देखिए फैन से लैंप पे मैंने कितना लिया है 2.5, यहाँ पे चूंकि 2.5 है और फिर 0.5 मैंने वही लिया, अब 2.5 क्या है सेलिंग है और 0.5 क्या है ये वर्टिकल है, इस प्रकार से वर्टिकल है तो 3 मीटर हो गया। 3 मीटर हमारा लैंप 2 के लिए भी टोटल वायर को ऐड किए तो हमारा टोटल 14 मीटर आ गया, तो 14 मीटर ले लिए। टोटल लेंथ हम जोड़ेंगे तो न्यूट्रल वायर प्लस फेज वायर को ऐड कर देंगे, टोटल न्यूट्रल और फेज वायर को ऐड कर देंगे तो 14 मीटर और 23 मीटर 37 मीटर, चूंकि ऐड कर लेंगे उसके हिसाब से फिर हम जरूरत के हिसाब से कट कर लेंगे। 15% एक्स्ट्रा हम ले लेंगे तो 15% एक्स्ट्रा लेंगे तो 5.55 मीटर हो जाएगा, टोटल वायर हो जाएगा 37.5.5, टोटल हो जाएगा 42 मीटर, इसलिए 42.55, इसलिए 43 मीटर हम टोटल वायर हम ले लेंगे। अब अर्थ वायर के लिए हम क्या करेंगे, एक्चुअली में अर्थ वायर के लिए ओनली अ स्मॉल लेंथ लेते हैं 0.3 मीटर ले लेते हैं अर्थ वायर, इज सफिशियंट है और इस प्रकार से हम उसको वायरिंग कर देंगे। जितने हमारा है एक लैंप 1, 2, 3 स्विच लाइट लगा देंगे 1, 2, 3 और एक आपका सॉकेट के साथ लगा देंगे, ठीक है 5 एम्पीयर का सॉकेट के साथ कनेक्ट कर दिए और इस प्रकार से आप ये वायरिंग डायग्राम कर लेंगे। ये इस प्रकार से आपका स्कीमेटिक डायग्राम हो जाएगा लैंप 1, लैंप 2, फैन और 5 एम्पीयर सॉकेट का। अब इसके बाद से जो एक महत्वपूर्ण है लिस्ट ऑफ मटेरियल, जो लिस्ट ऑफ मटेरियल है आपको कुछ लिस्ट ऑफ मटेरियल को आपको याद रखना चाहिए, जैसे रेट वगैरह स्विच का आपको एग्जामिनेशन में ये 30 मार्क्स का क्वेश्चन जो आता है वो आपको रेट वगैरह याद रखना है। जैसे कंड्यूट पाइप 25 mm का है 15 मीटर लेंगे 12 रुपये पर मीटर है तो 180 लग जाएगा, ऑल कंडक्टर सिंगल को ये आपको याद कर लेना चाहिए क्योंकि सारे चीज़ों में ये कॉमन रहेगा तो आप इसको याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या बार बार आप इसको देखेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको माइंड में इसको अच्छे से याद हो जाएगा। तो आप इसको ऑल कंडक्टर सिंगल कोर केबल लेंगे 1.5 का, हाँ देखिए सिंगल कोर जो केबल लिया है मैंने, तार जो लिया है वो सर 1.5 एमएम का लिया हूँ, एमएम स्क्वायर का लिया, तो क्वांटिटी 43 मीटर चाहिए था उसके लिए 15 रुपये पर मीटर है तो 645 आएगा। आईसीडीपी स्विच चाहिए 15 एम्पीयर का तो वह ये हमारा हो गया, और एक चाहिए तो इतना का रेट है, जिस बाकी सारी आपका फ्लश टाइप स्विच है, फ्लश टाइप स्विच 15 एम्पीयर का चाहिए, जीआई वायर